नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक केक। ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए। इसके लिए ये है मूंग दाल। मैंने 3 कप मूंग दाल को भिगो कर रख दिया था। और ये है सूजी। और ये है 1 कप चीनी। पहले हम 1 कप चीनी को मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। फिर इसमें 4 से 5 इलायची, छोटी इलायची डालकर हम इसका एक पाउडर बनाएंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी ग्राइंडर जार में हम जो मूंग दाल को भिगा कर रखे थे उसको डालकर अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बनाएंगे। बस थोड़ा सा पानी डालना है। 1/2 कप पानी डालकर हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें सारे चीज़ें ऐड कर देंगे। ये है हम जो चीनी का पाउडर बना कर रखे थे, ये है चीनी। ये है 1/2 कप सूजी। ये है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून नमक। और ये है फ्रेश कोकोनट, फ्रेश नारियल ये है। और ये है चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, काजू, आलमंड और नारियल के छोटे छोटे पीसेस डालकर हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या फिर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो भी वो भी डाल सकते हैं। अब हम एक केक टिन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और नारियल के साथ गार्निश कर देंगे। ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट कर देंगे। फिर हम इसको बेक करने के लिए 30 मिनट तक रख देंगे। हमारे 30 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे। अब हमारा केक अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गई है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए हम इसको कट करेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस तरह से हम कट करके फिर इसके ऊपर हम थोड़ा जो चीनी और इलायची को ग्राइंडिंग करके रखे थे वही चीनी को थोड़ा ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप इसे एक बार बना कर देखिए आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं क्या अगले नए वीडियो पर। टाटा बाय बाय।